की थी जो सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में जिसने काम किया था। हमने अब तक 31 लिंक्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनके माध्यम से डेफिसिट बेसिन्स और सरप्लस बेसिन्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। उनमें से कुछ लिंक्स ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी लिंक्स की तरह आइडेंटिफाई किया गया है, जिनके ऊपर लगभग DPR बनके उनकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनकर के काम हो चुका है। लेकिन क्योंकि राज्यों का विषय जल संविधान के अनुरूप राज्यों का विषय होने के कारण से राज्यों को स्वस्थ मानसिकता के साथ में बैठ करके जल को राजनीति का विषय न बनाते हुए, जल को सामयिक विषय ऐसा मानते हुए कुछ खुले हृदय से साथ बैठ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करनी पड़ेंगी, और वो डेवलप होने के साथ साथ ही हम निश्चित रूप से इस दिशा में आगे काम कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको इतना संकेत मात्र कर सकता हूँ कि शीघ्र ही एक शुभ संकेत, शुभ शुरुआत के आपको मिलने वाले हैं। ट्रंप आज चलिए हो गया ना, संविधान के अनुरूप राज्य का विषय है, हमने तेजी से काम प्रारंभ किया है। कुछ राज्यों ने अत्यंत ऊर्जा के साथ में और अत्यंत उत्साह के साथ में इस मिशन के साथ जुड़कर के काम करना प्रारंभ किया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी कुछ लिगेसी इश्यूज़ हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जिनके कारण से अभी उस गति से जो अपेक्षित गति है उससे काम नहीं हो पाया। दुर्भाग्य से राजस्थान भी उनमें से एक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि जल के संकट को राजस्थान से ज़्यादा, राजस्थान के लोगों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, निश्चित ही ऐसा जो है व्यवस्थाएं बदलेंगी और निश्चित ही इस दिशा में और तेज़ी से काम करके हम राजस्थान के प्रत्येक घर को भी प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करते हुए पानी का से जोड़ पाएंगे। फिर एक नदियों को जोड़ने की, क्योंकि निश्चित ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के एक तिहाई हिस्से में हर साल बाढ़ आती है और दूसरे एक तिहाई हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है। नदियों को जोड़ यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन तक पानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अंग्रेजों के ज़माने से इस विषय पर विचार हुआ था और चर्चाएं हुई थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब इस दिशा में कुछ काम आगे बढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक संस्थान में जो 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है उसमें ऐसे समसामयिक विषय पर इस जो है अपने विचार रख सकूँ, अपनी बात कर सकूँ। जल को लेकर के अगर बात की जाए, राजस्थान सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाला। ये निश्चित रूप से ये तय है कि जल और प्रकृति पर्यावरण का होता हुआ क्षरण ये वैश्विक चिंता का विषय है। लेकिन साथ ही सुखद एहसास ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जल के विषय को प्रमुखता के साथ में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा करके और एक जन जन का विषय बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज देश के सारे मीडिया चैनल्स, सारे प्रिंट मीडिया और उसके साथ साथ ही साथ में देश का प्रत्येक वर्ग संवर्ग कहीं ना कहीं जल के विषय में विचार करना और चिंतन करना प्रारंभ किया है। इसी क्रम में आज इस ऐतिहासिक संस्थान में भी इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के एक इंटरनेशनल वर्कशॉप आयोजित की है, जिसमें बहुत सारे विश्व भर में ऐसे लोग जिन्होंने जल संरक्षण और जल सब आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, देखिए खासतौर पर बजट के परिप्रेक्ष्य, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि हमें देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी, जो लगभग ग्रामीण आवास की मैं यदि चर्चा करूं तो 18 करोड़ घरों में से अभी तक हम केवल 3 करोड़ घरों तक पहुंच पाए, और उन 3 करोड़ घरों के अतिरिक्त जिन घरों तक पहुंचने की का जिम्मा प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक लिया है। 15